नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूँ आपका आपका अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? सभी नए पुराने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और जुड़ जाइए चैनल के साथ। दशहरा 2018 कब है? हमारे यहाँ आजकल आपने देखा होगा कि दो दो तारीखें हैं, इस तारीख को मनाएं कि उस तारीख को मनाएं। दो तारीखों की वजह से बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है किसी भी त्यौहार को मनाने में। तो दशहरे में भी दो तारीखें आ गई हैं कि इस तारीख को मनाएं कि उस तारीख को मनाएं। तो इस विषय पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि क्यों ये दो तारीखें हैं और आपको कब मनाना चाहिए। भारत में दशहरा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। दशहरा दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने 9 दिनों तक लंका के राजा रावण से युद्ध करके माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाया या मुक्त कराया था, और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इन्हीं दिनों में किया था। इसलिए विजय पर्व के रूप में इस को मनाया जाता है और विजयदशमी भी इसको हम लोग कहते हैं। 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक नवमी रहेगी, इसके पश्चात दशमी लग जाएगी जो 19 अक्टूबर 4:07 तक रहेगी, लगभग 4:07 तक रहेगी। शास्त्र कहता है विजयदशमी श्रवण नक्षत्र में मनानी चाहिए। श्रवण नक्षत्र 18 अक्टूबर को होने के कारण या होने की वजह से विजयदशमी का पर्व 18 अक्टूबर को मनाना चाहिए। 18 अक्टूबर को नवमी दोपहर 2:01 तक है, इसके बाद दशमी शुरू होगी। 19 अक्टूबर को लगभग 4:07 तक रहेगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार उदय काल में तिथि को मान्यता प्राप्त है जो 19 अक्टूबर को है। दशहरे के लिए पंचक भी मान्य है जो 19 अक्टूबर की दोपहर 1:23 से है। इस समय घनिष्ठा नक्षत्र भी रहेगा, इसलिए इस मान्यता के लोग 19 को दशमी मनाएंगे यानी विजयदशमी मनाएंगे। इस कारण अलग अलग मान्यताओं के कारण विजयदशमी 2 दिन है। अंतिम निर्णय आपका है, आप किस दिन विजयदशमी के पर्व को मनाएं, 18 या 19 अक्टूबर को। मैंने दोनों चीजें आपके सामने रख दी कि मतभेद कहाँ पे पैदा हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आप लोग 18 तारीख को विजयदशमी आपको मनानी चाहिए, यह मेरा स्वयं का मत है। अंतिम निर्णय आपका है। तो विजयदशमी की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशहाली हो, और त्योहारों का मौसम है, और त्योहारों के मौसम में आप सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए। इन त्योहारों में और बहुत कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, उसके लिए हम आपके लिए अलग-अलग वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप इन त्योहारों के मौसम में अपने जीवन में और प्रसन्नता ला सकें। खुश रहें, खुशहाल रहें। हरिओम, नमस्कार।